कुछ वक्त पहले देश की सबसे बड़ी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की पहले घर वापसी हुई और टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया। नए जमाने की एयर इंडिया कैसी हो, टेक ओवर के बाद से ही इसकी मेक ओवर करने की तैयारी चल रही थी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में एयर इंडिया के कर्मचारी अब नए रंग रूप और अलग अंदाज में नजर आएंगे। दरअसल एयर इंडिया ने मेल और फीमेल क्रू मेंबर्स की ग्रूमिंग को लेकर 40 पन्नों की नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट के पहनावे, मेकअप, लुक्स और वजन को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। क्रू मेंबर्स के सजने सवरने को लेकर एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को क्या पहनना है और क्या नहीं, उनका नया लुक कैसा होगा, इन सब बातों का बेहद ध्यान रखा गया है। एयर इंडिया की नई गाइडलाइंस के तहत फीमेल क्रू मेंबर्स और एयर होस्टेस की गर्दन और एड़ी पर काला और धार्मिक धागा पहनने से रोक लगाई गई है। हाथों में केवल एक एक चूड़ी पहनना होगा, वो भी प्लेन जिस पर कोई डिजाइन ना हो। इसके अलावा कानों में बालियां नहीं पहन सकेंगे और ना ही माथे पर बड़ी बिंदी सजेगी। बिंदी का साइज केवल 0.5 सेंटीमीटर ही होगा। इसके अलावा कलर स्टोन और मोती वाली धार्मिक अंगूठी और गले में ज्वेलरी पहनने की इजाजत भी नहीं होगी। क्रू मेंबर्स के हेयर कलर को लेकर खास हिदायत है, ये महिला और पुरुष दोनों कर्मचारियों पर लागू है। जिन क्रू मेंबर्स के बाल सफेद हैं, उन्हें कलर करके ही आना होगा। वहीं फैशन के इस दौर में टैटू का खूब क्रेज है, लेकिन एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स को टैटू गुदवाने की रोक लगाई है। एयर इंडिया में फीमेल केबिन क्रू को यह भी आदेश दिया गया है कि वो हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकती। जिन मेल क्रू मेंबर्स के सिर पर बाल कम हैं, यानी गंजेपन का शिकार हैं, उन्हें शेव्ड लुक रखना होगा। टाटा ने अपने एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स के लुक्स और पहनावे को लेकर हमेशा से ध्यान दिया है। अगर गुजरे दौर की बात करें तो जेआरडी टाटा जब एयरलाइंस का संचालन करते थे, उस वक्त भी क्रू मेंबर्स के पहनावे पर खास ध्यान रखा जाता था। दरअसल कर्ज में डूबी एयर इंडिया को सरकार ने बीती 27 जनवरी को टाटा समूह के हवाले किया था। तब से एयर इंडिया के बदलाव को लेकर चर्चा जोरों पर थी। हालांकि सरकार ने पहले ही तय कर दिया था कि एयर इंडिया का मालिकाना हक मिलने के बाद नए मालिक को इससे जुड़े नाम और लोगों को अभी 5 साल तक संभाल कर रखना होगा। हर कोई जानता है कि कैसे एयर इंडिया प्रबंधन का ढुलमुल रवैया भी इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी की बर्बादी की एक वजह रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स अक्सर लेट लतीफी का शिकार होती रही हैं, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एयर इंडिया का लुक पूरी तरह से बदलने वाला है।